सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोग कर रहे थे ENT के सर्जिकल प्रोसीजर्स, और जिसमें हम नोज़ के कर रहे हैं। और नोज़ में अब जो मैंने करवाने लगी आपको वो है कैल्डुअल लग ऑपरेशन। ठीक है, कैल्डुअल लग ऑपरेशन आपका कभी कभार लाइक आता होता है इस सेंस में कि आपको एटलीस्ट वाइवा में ये लाजमी पूछते हैं। मतलब वाइवा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसका नाम ना बड़ा थोड़ा सा चेंज है। और दूसरी बात ये कि पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो है जब से वो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी आई है ना, फेस्ट जिसका नाम है, अब तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो वो चेंज हो गई हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इस वजह से एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, मतलब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं। तो बात है मैक्सिलरी साइनस की। फिर से मैक्सिलरी साइनस आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में जो मैंने आपको बताई थी, अभी बल्कि एक ही बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम प्रूफ पंक्चर या इसका लवाज किस तरह से करते हैं। अब उसमें मैंने आपको बताया कि हम इंट्रानेजल रूट से आके इन्फीरियर मिएटस में एक सुराख करके यहाँ पर हम साइनस के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यही आपको बताया। अब उसमें हमें साइनस अंदर से नज़र नहीं आ रहा होता, वो जो हमारे पास पिछला तरीका हमने पढ़ा है ना, जिसमें हम इंट्रा नेजल रूट से जा रहे हैं और कैनुला लेके जा रहे हैं, अब उसमें हम साइनस को अंदर से देख नहीं सकते। हम खाली इरिगेशन करते हैं और फिर बाहर आने वाले कंटेंट जो भी आ रहा है बाहर, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कैसा है। अब हमने अगर बाकायदा साइनस के अंदर कोई बड़ी पैथोलॉजी है उसको एक्सक्लूड करना है, कोई बीच में साइनस के अंदर कोई एंट्रोकॉनल पोलिप्स बने हुए हैं, मतलब ज़ाहिर है वो साइनस मैक्सिलरी साइनस से ही एंट्रोकॉनल पोलिप्स बन रहे होते हैं, या फिर सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका जो फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट का कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है और उससे ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स साइनस के अंदर आ गए, मतलब अगर ये फ्लोर ऑफ ऑर्बिट का फ्रैक्चर होता है तो ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स नीचे आ जाते हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया और हमने उनको वापस ऊपर लेके जाना है, या कोई ऐसी हमने मतलब बड़ा बड़ा सा हमने साइनस खोल के देखना है, तो उसके लिए फिर हम इंट्रानेजल रूट से नहीं जाते। फिर हमें किस रूट से जाना होता है, फिर बाहर से जो स्किन से जाने वाला रूट है, आपको एक ये जहन में आता होगा कि हम बाहर स्किन से डायरेक्ट इंसिजन दे के अंदर चले जाएं, लेकिन वो इतना बुरा लगता है, स्किन में सामने चीक पे इतना बड़ा स्कार बन जाता है कि आपकी सोच है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम ये अपर लिप जो ऊपर वाला होंठ है इसको लिफ्ट करते हैं और इसके नीचे एक इंसिजन दे के वहां से चले जाते हैं, यानी एंटीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस से हम एंटर होंगे, लेकिन सब लेबियल अप्रोच से। ये लिप के नीचे से जाने वाली जो अप्रोच है उसको सब लेबियल अप्रोच कहते हैं। ये देखें जी, ये वाला रास्ता है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पेशेंट है। ठीक है, हमने उसका अपर लिप उठाया, ऊपर किया, और जो आपका केनाइंस होते हैं ना, जो कि पॉइंटेड टीथ होते हैं, इनके रूट के ऊपर वाली जगह पर हम इन्हें एक इंसिजन देना होता है, और उस इंसिजन को हम इतना लेके जाते हैं आगे तक कि वो आपके मैक्सिलरी एंट्रम तक जाए। ठीक है, फिर हमने मैक्सिलरी जो बोन का रास्ते में आता होता है उसको भी हमने उसको हैमर एंड गूज से उसके उसको भी थोड़ा सा ब्रेक करके और फिर हम सीधा मैक्सिलरी साइनस के अंदर चले जाते हैं। तो ये अप्रोच जो आपके लेबियम यानी आपके होंठ वाले पोर्शन को हम लेबिया का पोर्शन कहते हैं, जो सब लेबियल अप्रोच होती है, और इस सब लेबियल अप्रोच के नीचे से मतलब इसके इसके थ्रू हम अगर मैक्सिलरी साइनस में जाएंगे तो हमें साइनस एक तो बड़ा अच्छे से नज़र आएगा और हम सारी पैथोलॉजी को उससे डील कर सकते हैं। तो इस अप्रोच से साइनस के अंदर जाना और मैक्सिलरी साइनस के अंदर से पैथोलॉजी को क्लियर करना और फिर जो भी मसला उसको ठीक करना, इसको कैल्डुअल लग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, वही बात है कि अब इसको फेस ने रिप्लेस बहुत हद तक कर दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब लेबियल अप्रोच और किस तरह हम जाते हैं। ये एक ओरिजिनल डायग्राम भी आप देख लें सर्जरी की, जिसमें एक लिप के नीचे से गए हुए हैं ये लोग और यहाँ से इन्होंने अंदर तक मैक्सिलरी साइनस तक पहुँचे हुए हैं। ठीक हो क्या? तो आपको ऑपरेशन का जो मेजर सी बात है, मतलब वो कैल्डुअल लग ऑपरेशन आपने किस तरह से किस अप्रोच से जाना है वो तो आपको मैंने बता दिए। अब जाहिर सी बात है कि इसमें भी हमने मैक्सिलरी साइनस के अंदर जाना है और बाकियों में भी हम उसी के अंदर जा रहे थे जो पिछले वाले थे, तो इनमें और उसमें ज़रूरत क्या आती है, इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन क्या है। तो वैसे तो इसको जो जनरली आपके पास अगर क्वेश्चन कभी आएगा कि इंडिकेशन क्या है, तो आपने लिखनी तो वही है जो सारी आपकी बुक में लिखी हुई है, जिसमें यही बात है। सबसे पहले तो आपकी वही कि क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस, एक्यूट में आप कभी भी नहीं खोलते। ठीक है, क्रॉनिक साइनसाइटिस होगा तभी आपने खोलना है, और वो भी ऐसा साइनसाइटिस जो कि नॉर्मली आपकी एंटीबायोटिक्स वगैरह से ट्रीट नहीं हो रहा और आप देखना चाहते हैं पैथोलॉजी को, तब आपने इसको अंदर से खोलना है। ठीक है, इस हद तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हो सकता है, मैंने आपको कहा कि अगर कोई बड़ी चीज आपने रिमूव करनी, मैंने आपको बता भी दिया था कि आपकी फॉरन बॉडी है कोई अंदर, कोई आपका पॉलिप अंदर से ग्रो कर रहा है, कोई फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट का फ्रैक्चर हुआ है, इस किस्म की जो चीज़ें ना वो मेजर मेजर इसके बातें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि मैक्सिला का अपना फ्रैक्चर हो, या फिर कभी कभार ये भी होता है कि अगर ये मेरी नाक है और ये मेरा एथमोइड साइनस है, तो कभी हम यहाँ से इस मैक्सिलरी सॉरी ये मेरे मैक्सिलरी साइनस से कभी हम मैक्सिलरी से जाते हैं और मैक्सिलरी से हमने एथमोइड में जाना होता है। ठीक है, तो एथमोइडेक्टमी के लिए भी कभी कभार हम ये अप्रोच लेते हैं, लेकिन कभी कभार, नॉट ऑलवेज। अब मैं वेरी मच ऑनेस्टली बताऊं, इंडिकेशन ये जो सारी मैंने बताई है ना, ये लिखनी आपने जरूर है, क्योंकि ये बुक में इसी तरह से इनलिस्टेड भी हैं, और पहले पहले इन सारे कामों के लिए हम कैल्डुअल लग करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो कैल्डुअल लग ऑपरेशन है, जब से हमारी फेस्ट सर्जरी आई है, अब इसकी इंडिकेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है। अब ये सिर्फ और सिर्फ हम उस केस में करते हैं जब हमें खास तौर पर बहुत किस्म का कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फ्रैक्चर हुआ है, ये आपकी मैक्सिलरी बोन का,
जो मैक्सिलरी बोन को उसने बहुत अजीबोगरीब तरीके से तोड़ फोड़ दिया और हम उसको अंदर से अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ ये कैल्डोल लग उस केस में करते हैं। और एक इसलिए कि कोई ऐसी फॉरेन बॉडी है जो हमें पता है कि सिर्फ एंडोस्कोपिक सर्जरी से रिमूव नहीं होगी, एंडोस्कोपिक सर्जरी में तो आप एंडोस्कोप पास करेंगे ना, उससे अगर रिमूव नहीं होगी और हमें बड़ी इंसिजन दे के अंदर से रिमूव करनी, तब आपने ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई कार्सिनोमा है, अगर कोई कार्सिनोमा है मैक्सिलरी साइनस का, तो वो एक बड़ी चीज़ है, तो वो भी आपकी एंडोस्कोपिक सर्जरी से रिमूव नहीं हो सकेगी, फेस आपकी एंडोस्कोपिक सर्जरी है। तो कुछ बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में अब आप फेस को सॉरी कैल्डोल लग को इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए अब फेस आ गई है। तो आपने ये जो बहुत लिमिटेड चीज़ें ये भी बुक में लिखी हुई है, जिसमें आपका सी ए मैक्सिलरी साइनस है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट का फ्रैक्चर आ गया, या फिर आपका फॉरेन बॉडी है जो कोई बड़े साइज की, ये चीज़ें सिर्फ अब लिमिटेड सी है जिनके लिए कैल्डोल लग को किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता, क्योंकि अब हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सर्जरीज करना जिनमें कम से कम नुकसान हो नॉर्मल जो आपकी स्किन की इंटेग्रिटी और उसको और बाकी चीज़ों को, तो फेस इस किस्म की सर्जरी है जिसमें कम से कम नुकसान होता है, इसलिए ये बेहतर समझी जाती है, ठीक है। ये दोनों बातें आपसे वाइवा में पूछते हैं कि फेस इज क्यों आजकल इतनी प्रिफर की जा रही है और कौन सी प्रिफर की जा रही है और कैल्डोल लग कब क्यों नहीं की जाती है, सब वाइवा के क्वेश्चन है, ठीक हो गया। एनेस्थीजिया इसमें जो है वो हम जीए के अंडर ही करते हैं, और उसके साथ हमें लाजमी तौर पे ना फेरिंग्स को पैक भी करना होता है, फेरिंजियल पैक लगाना होता है, इस वजह से क्योंकि अगर हम वो मैक्सिलरी साइनस के अंदर सर्जरी करें और मुंह के लेबियल सब लेबियल अप्रोच से करें, मुंह खोल के करवा रहे हैं, तो कोई सिक्रीशन ना चली जाए और सीधी लंग्स में एस्पिरेट ना हो जाए, इसलिए फेरिंजियल पैक लाजमी है। तो जीए विद ATT एंडोक्रेटियल ट्यूब, वो भी कफ और साथ फेरिंजियल पैक, ये लिखना होता है आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी कहानी इसकी। अच्छा, इसमें भी आपके पास जो पोजीशन ऑफ द पेशेंट है ना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ने लेटना सीधा ही है, मतलब सीधा पेशेंट होगा, लेकिन जो हेड एंड है ना पेशेंट का जरा सा एलिवेटेड होता है, ठीक है, थोड़ा सा एलिवेटेड हेड एंड होता है, रिक्लाइनिंग पेशेंट होता है, और थोड़ा सा उसको अगर हमने राइट साइनस की सर्जरी करनी है तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ उसके फेस को टिल्ट कर देंगे, और लेफ्ट की करनी है तो थोड़ी सी राइट साइड पे, तो ये पेशेंट की पोजीशन होती है। पोजीशन आपसे क्योंकि पूछते होते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए किस तरह से मोटा मोटा सा करते हैं, आपसे इतना ही पूछते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बस जब हम पहुंच जाएंगे सब लेवल अप्रोच से, सारा साफ सूफ कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद हमने करना ये होता है कि हम अंदर से ही ना यहाँ पर इन्फीरियर मिएटस के अंदर से ही ना इधर एक सुराख नोज के जरिए बना देते हैं, मतलब एक कनेक्शन सा इधर बना देते हैं, क्योंकि सेक्रीशन जो रह जाएंगी वो इधर ड्रेन हो जाएंगी, तो नेजो एंट्रल ओपनिंग एक इधर बना देते हैं हम। उसके बाद हम इधर से वापस आएंगे, सब लेबियल इंसिजन को क्लोज कर देंगे, नोज के अंदर भी हम पैकिंग रख देते हैं जो एंटीबायोटिक और अच्छे से पूरी पैकिंग होती है, और उसके बाद उस पैकिंग को रिमूव कर देंगे, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो पैकिंग को जल्दी रिमूव कर देंगे, और फिर ये वाली जो चीज़ हमने जो सुराख बनाया था इससे हमने साइनस को इरीगेट कर लेना है कुछ दिनों तक के लिए, ठीक हो गया। पोस्ट ऑप केयर में यही बात इंपॉर्टेंट होती है कि आप अगर चीज़ आपको ज़्यादा फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि आपके चीक पे स्वेलिंग हो रही है, तो आप बर्फ़ थोड़े से बर्फ़ का टकोट कर ले तो उससे आइस पैक से उसमें बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है। एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स देनी होती हैं और आपने स्टिचेस को रिमूव करना होता है, ये जो सब लेबियल स्टिचेस हैं, और यहाँ पर वाली जो इरीगेशन है ये आपने कंटिन्यू करनी होती है फॉर सम डेज, ठीक है, ताकि आपका साइनस की जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक रहे। अब इसमें जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस है वो इतनी ज़्यादा आपसे पूछता नहीं है, बात वही है कि आपके पोस्ट ऑप ब्लीडिंग हो सकती है, एनेस्थीजिया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ है वो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है, ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व आपकी जो है ना वो इस जगह पर आपका जो कैनाइन फॉसा वाली जगह है जहाँ से हमने इंसिजन देनी है, उस जगह पर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व का कोर्स होता है, तो उसको बचा के आपने अंदर जाना होता है साइनस के। अगर वो नर्व डैमेज हो जाती है तो फिर आपको होता है कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इज योर सेंसरी नर्व, जो एनेस्थीजिया ऑफ दैट एरिया हो जाएगा, और नर्व डैमेज के आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस फिर होती हैं, तो नर्व को जो बचाना होता है इसमें वो इंफ्रा ऑर्बिटल है। इसके अलावा यहाँ कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अभी तक किसी कोई मसला हो या कि ना। थैंक यू।